चालू मार्केटिंग सीजन की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में देश का चीनी उत्पादन 3.69% बढ़कर 120,07,000 टन पर पहुंच गया है। चीनी के विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक भारत में चीनी का उत्पादन पिछले मार्केटिंग वर्ष के समान अवधि में 116,04,000 टन का हुआ था। चीनी मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अनुसार उक्त अवधि में पहले के 500 मिलों के मुकाबले लगभग 509 मिलें पिराई कर रही थी। इस्मा ने एक बयान में कहा है कि विपणन वर्ष 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन एक साल पहले के ही 30,09,000 टन के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि महाराष्ट्र में यह मामूली बढ़कर 46,08,000 टन हो गया है, जबकि वहां एक साल पहले इस समय तक 45,08,000 टन का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में चीनी का उत्पादन पहले के 26,01,000 टन की तुलना में थोड़ा बढ़कर 26,07,000 टन हो गया है। इस्मा ने कहा है कि चालू विपणन वर्ष के अक्टूबर दिसंबर के दौरान चीनी का उत्पादन गुजरात में 3,08,000 टन तो तमिलनाडु में 2,06,000 टन और अन्य राज्यों में 9,09,000 टन तक पहुंच गया है। इस्मा ने विपणन वर्ष 2022-23 में 365,00,000 टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो विपणन वर्ष 2021-22 में 358,00,000 टन की तुलना में 2% अधिक है। चीनी उत्पादन के आंकड़े आने के बाद अब सरकार जनवरी में घरेलू उत्पादन का आंकलन करने के बाद चालू विपणन वर्ष 2022-23 के लिए चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। विपणन वर्ष 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 111,00,000 टन चीनी का निर्यात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।